हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 186। मॉर्निंग भी टेक न्यूज़ आ चुकी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। अगर आपने मिस कर दी तो ऊपर लिंक में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की देश दुनिया की बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो मैंने मॉर्निंग में बताया था अमेज़फिट स्ट्राउस 3 जो इंडिया में आ रही है 24 या 20 तारीख के पास, उसका फ्लिपकार्ट पे प्राइस आ गया। मुझे कमेंट पे भी आज किसी ने पूछा था, प्राइस आया है 18,000। इंडिया में थोड़ी महंगी आती है, फॉरेन में चाइना में काफ़ी सस्ती होती है। तो वैसे वॉच काफ़ी बढ़िया है ये अमेज़फिट की, मैंने 2 यूज़ की है, मुझे रियली काफ़ी बढ़िया लगी थी। अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ऑनर V6 टैब, जी हाँ, लास्ट मंथ ऑनर ने जब इवेंट किया था वहाँ पर लॉन्च किया था, मगर प्राइस नहीं बताया था, आज प्राइस सामने आ गया है। जो 6GB वेरियंट है 64GB के साथ, उसका प्राइस रखा है 2199 yuan, जो नियर अबाउट पड़ता है 23,000 के पास। और जो 6GB प्लस 128GB है उसकी है 2500 yuan, जो नियर अबाउट बनता है 27,000 के पास। तो मेरे हिसाब से प्राइस नॉट बैड, क्योंकि काफ़ी अच्छी डायमेंशन है। जो 5G वाला वेरिएंट है उसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3200 yuan 5G वाले का, जो 6128 है। और जो 8GB प्लस 256GB है उसका 4000 yuan, जो 42,000 के पास पड़ता है। स्पेक्स काफ़ी बढ़िया थी, इसमें आपको मिलता है 10.4 इंच की बड़ा सा टैब, IPS LCD स्क्रीन के साथ आता है, किरी 985 जो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर लगा, 7250 mAh की बैटरी है, 13 MP का रेयर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा। मुझे वैसे जो बेसिक है 2200 yuan वाला, जो 24,000 के पास पड़ेगा, अंडर 24,000 23-24,000 के बीच, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। कोशिश करूँगा अगर मैं चाइना जा पाया इस साथ तो आपको इसका रिव्यू करके दूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 Plus का Geekbench स्कोर सामने आया है, सिंगल कोर का 4277 और मल्टी कोर का 13286। तो ये स्नैपड्रैगन 865 पे आएगा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। होपफुली इंडिया में भी यही प्रोसेसर लाएं, एक्जीनोस वाला ना लें। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2, उसकी स्क्रीन कह रहे हैं 7.7 इंच की होगी जब ये खुलेगा, और जब फोल्ड होगा तो 6.23 इंच की होगी। तो देखते हैं क्या होगा, मेरे को गैलेक्सी फोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जो सैमसंग ने एक फाइल किया है ट्रेडमार्क, नाम दिया है प्रोजेक्ट प्रिज्म। बहुत साल पहले इनका एक फ़ोन भी आता था प्रिज्म नाम का, काफ़ी अच्छा फ़ोन था, मैंने यूज़ किया हुआ है तो मुझे याद आया, बाकी देखते हैं क्या लाएगा सैमसंग। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आती है हमारे Redmi 10X एंड Redmi 10X Pro, गूगल सर्टिफिकेट पे आ गया। जैसे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, मैंने कहा था ये जल्दी आ सकता है ग्लोबली, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ तक इंडिया आ सकता है। काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं भाई कब आएगा, तो भाई गूगल सर्टिफिकेट आ गया तो ग्लोबली आ रहा है, और इंडिया शाओमी की सबसे बड़ी मार्केट है। होपफुली मनु कुमार जैन कोई बढ़िया चीज़ भी लाए इंडिया में, और कोई बढ़िया चीज़ लाए, आइदर रीब्रांड करके भी लिए मगर ले आए, बहुत देर होगी, कोई मिड रेंज बढ़िया फ़ोन नहीं आया अभी तक इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Mi Note 10 Lite 5G, मॉर्निंग में मैंने बताया था एक मी नोट 10 जूम आएगा, एक आज ग्लोबल सर्टिफिकेट मुझे मिला वाईफाई सर्टिफिकेट में ये सामने आया है। तो मी नोट 10 लाइट जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था वो 5G नहीं था, स्नैपड्रैगन 730G वाला था, अब ये 5G वाला आ रहा है वाईफाई सर्टिफिकेट में, साफ नाम लिखा हुआ है, तो स्नैपड्रैगन 765G के साथ हो सकता है। रियल एक्साइटेड हूँ, मेरे को ये सीरीज़ काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वन प्लस के TWS, जी हाँ, जो जुलाई में आने के चांसेस हैं, कह रहे हैं उसका एक लीक सामने आया XT डेवलपर की तरफ से, वन प्लस TWS पॉड्स, जी हाँ, शायद ये नाम भी हो सकता है, बाकी देखते हैं। वन प्लस काफ़ी कमाल कर सकता है, वैसे देखा जाए लॉकडाउन चल रहा है, वायरस चल रहा है, मगर कंपनीज फ़ोन पे फ़ोन ला रही है और काफ़ी कुछ नई टेक्नोलॉजी से आ रहा है, मगर भाई काफ़ी लोगों के जॉब्स और सैलरी बहुत अफेक्ट हुई है, तो मेरे हिसाब से इतना खास नहीं रहेगा। तो आज का रख लेते हैं पोल, तो आज का पोल है कल कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, लैपटॉप के बारे में, TWS के बारे में, वॉच के बारे में, या फिर PUBG गेम प्ले कोई बढ़िया से फ़ोन पे। जो भी हो मुझे पोल में ज़रूर जवाब दीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। साथ में एक और पोल रख रहा हूँ, वन प्लस 8 Pro की सेल मंडे से शुरू हो रही है, क्या आप चाहते हैं मैं वो बाय करके आपको उसका रिव्यू करूँ, और हमारे मी 10 जो मैंने लिया हुआ है उसे कंपेयर करूँ। जो भी है मुझे पोल में ज़रूर बताइए। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कल मॉर्निंग में। जय हिंद, वंदे मातरम।